और फोर डन बादशाह मॉस की तरफ जा रहे हैं और ये भी चेक कर रहे हैं वहाँ पे, तो रिक्शा से यहाँ पे छोटी सी गाइडेंस कि अगर आप लोग लाहौर फोर्ट जा रहे हैं पहले वहाँ पे आपको खाने पीने का सामान मिलेगा पर थोड़ा डिस्टेंस पे जाकर, स्पेशली अगर आप पैदल हैं। पर बादशाही मस्जिद में एक बेनिफिट जो मुझे नज़र आया वो ये है कि आप एंटर होते हैं तो आपकी राइट साइड पे भी सारे स्टॉल्स ही स्टॉल्स हैं, और फिर आप मज़ीद आगे आते रहते हैं तो आपकी लेफ्ट साइड पर भी स्टॉल्स ही स्टॉल्स हैं खाने पीने के भी, और कुछ मेहंदी वगैरह के, कुछ वेट चेकिंग के, ठीक है। और इसके अलावा अब हम मस्जिद में अंदर होंगे, जूतियाँ वगैरह सब सबमिट करवा के, तो अब मस्जिद के अंदर जाना जमा होगा। मस्जिद के अंदर एंट्री है। बाय बाय। नूरा को ठंडा फर्श मिल गया और उसका बस नहीं चल रहा कि वहाँ पे लेट जाए। इधर आ जाओ बाबा, नूरा माइक लगा हुआ बोलो। ऐसे कहा वापसी पे उनके वो एक एंट्री पॉइंट के ऊपर हम रिकॉर्डिंग कर सकते थे, और उस रिकॉर्डिंग का आई डोंट नो कि
क्या मकसद है बंद करने का? मे भी वो उन्होंने देख के भी लगाया होगा कि टिकटॉकर्स वगैरह, नहीं उन्होंने कहा था कि मस्जिद, हाँ पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक जो लगा रहे हैं शायद उसका, उसकी वजह से वो कह रहे थे कि जी मसला नहीं हो रहा था, लेकिन फिर जब तुम्हें पता नहीं है ऐसे पॉइंट, एक रिस्पेक्ट होती है उस बैकग्राउंड में जब म्यूजिक लग जाता है ना, तो फिर उस चीज़ की उस जगह की जो है ना बेहतियाँ शुरू हो जाती हैं, लोग उसके ऊपर फतवे जारी कर देते हैं जिसकी वजह से सबकी वीडियो बंद हो जाती है, ये सख्ती शुरू हो जाती है। हालांकि मुझे लगता है कि वीडियो बनाने में कोई जायका नहीं है अगर आप उसे किसी अच्छे मकसद के लिए बना रहे हैं। अब जैसे कई लोग होंगे जिन्होंने जो देखना चाहते होंगे ऐसी जगह पर वो नहीं देख पा रहे होंगे, तो उनके लिए तो ऐसी वीडियोज़ काफ़ी फ़ायदेमंद है ना, ये वो एक चीज़ को देख लेते हैं उस वीडियो में से, राइट। इस वजह से बस हमने शूज़ वगैरह कलेक्ट किए हैं और आगे, और अब हमारा वापसी का सफ़र है। खाना पीना आपके लिए सबके लिए जो है ना यही सजेशन है कि बाहर का खाना स्ट्रिक्टली दौर पर जो है ना आप सब लोग अपने आप के ऊपर भी ये रूल फॉलो कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब सबको ये कहें कि बाहर से कम खा सकें ओपन फास्ट फूड, ठीक है। ओपन फास्ट फूड का मतलब मेरे ख्याल से एक जनता जो है ना उसके ऊपर खुद जो है ना सर्च कर ले कि ओपन स्ट्रीट फूड जो होता है, ओपन स्ट्रीट फूड वो तो कोशिश करें कि ना करें। हम सुबह नाश्ता करके आए थे बाहर से किया था ओपन ही, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल वो तो सबका एक जो है ना नान चने का जो चल रहा है वो अपने लिए नॉर्मल इधर उधर से नहीं, ढाबे डूबे से नहीं, ये लोकल्स वगैरह होते हैं। दूसरा कैसे नाश्ता करके निकले आपको ताकि सही सॉलिड नाश्ता विजिट के अंदर आपको घूम सके, स्पेशली अगर आप पैदल जा रहे हैं। पानी वगैरह आप अपना साथ लेकर आ जाए, पानी वैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे बादशाही मॉस्क में आप रिफिल कर सकते हैं अपनी पानी की बॉटल, हमने भी की थी, ठीक है। पीने के लिए आप अपनी एनर्जी को कवर अप करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग है, अगर आपका बजट है तो गाड़ी अवेलेबल होती है, गाड़ी के ऊपर सफ़र करने शाही किला मेन जो है ना आपको बहुत थका देता है, ठीक है। बादशाही मस्जिद का इतना ज़्यादा नहीं है, नहीं है ट्रू, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको शाही किला ही थकाएगा, किला दिखाएगा। तो उसके बाद बस अब हम भी चल रहे हैं, अब हम यहाँ पे अपने ब्लॉग को आउट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ऐसा लाहौर का लगता है कि आप चाहते हैं कि हम नूरा को लेकर वहाँ पर जाएँ और विज़िट करें, हमें ज़रूर हमें बताएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन भी लाजमी प्रेस करें, और हमारी वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें ताकि हम मज़ीद इस तरह के ट्रैवल व्लॉग्स आपके साथ शेयर करें। और अभी लास्ट में हम गोल गप्पे भी खाएंगे, नहीं पहले हम अपना वेट चेक करेंगे कितना कितना अब तो हट गया होगा ना।